प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मथुरा जाएं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएं, सवाल टाइमिंग को लेकर है। राजस्थान चुनाव नजदीक है, कल मतदान होना है, उससे ठीक पहले मथुरा प्रधानमंत्री जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, तो क्या ये कोशिश नहीं है मतदाताओं को प्रभावित करने की? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, आदरणीय अमित शाह जी हो, आदरणीय नड्डा जी, हमारे जो भी नेता हैं, आप 5 वर्षों में देखेंगे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी शहर में जाते हैं, कई कार्यक्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ कई बार मीडिया की दृष्टि से जाता भी हूं, तो वहां के प्रमुख देवस्थानों के दर्शन और पूजन का कार्यक्रम पहले से ही तय होता है। ये कभी चुनाव की दृष्टि से नहीं होता। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, शायद ही ऐसा कोई महीना बीता होगा जब उनकी अयोध्या की यात्रा नहीं होगी, जब गोरक्षनाथ के मठ में, ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता है जब गोरक्षनाथ के मठ में मठाधीश होने के नाते वहां उपस्थित नहीं होते हैं। हाँ, चुनावी यात्रा कांग्रेस की होती है। आपने श्रीमती प्रियंका वड्रा को चुनाव के अलावा कभी डमरू और त्रिशूल लिए हुए देखा है क्या? आपने श्रीमान राहुल गांधी को चुनाव के अतिरिक्त कभी मंदिर जाते हुए देखा है क्या? श्रीमती सोनिया गांधी को आज तक मंदिर जाते हुए देखा है क्या? श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को आज तक मंदिर जाते हुए देखा है क्या? श्रीमान अखिलेश यादव करें कि मोदी जी को विलंब हो गया, उनके पिता श्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव और स्वयं अखिलेश यादव जी को कभी आपने कहीं मंदिर में माथा नवाते हुए देखा है क्या? क्या कारण है? चुनाव के समय ही जवाब तो अखिलेश यादव दे रहे थे प्रेम शुक्ला जी, वो तो ये कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करते। जो लोग बचपन से मंदिर जा रहे हैं, आप उनकी बात करिए जो पहली बार मंदिर गए, तो उनकी नाकामी है। कब गए ये तो बता दें, कभी नहीं गए। प्रचार की बात क्या, कभी गए ही नहीं तो प्रचार क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, छिप जाएगी ये बात। एक मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री किसी मंदिर के दर्शन में जाएगा, वो लुप्त होकर दर्शन में जाते हैं क्या? उनके पास ऐसी कोई विद्या है कि अदृश्य हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन के जाते हैं क्या दर्शन करने? आदरणीय जेपी नड्डा जी या आदरणीय अमित शाह जी जाते हैं मंदिर दर्शन करने, तो क्या कार्यक्रम का जो ऐलान करके मीडिया को निमंत्रित करके? लेकिन उनके कार्यक्रम का पता लगने पर स्वाभाविक तौर पर अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व कहीं मंदिर में जाएगा, उनको जो है जब रोजा इफ्तार कराते हैं तब तो सबको बुला लेते हैं, ईद मुबारक का जब वो जो है लोगों को बधाइयां देते हैं सबको बुला लेते हैं, ईद के समय गले लगते हैं टोपी लगाकर, तब तो मीडिया जाती है। क्या कारण है? ठीक है कि आपको रोजा इफ्तार करते समय जो है किसी प्रकार से छिपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मंदिर जा रहे हैं तो छिप छिप के जा रहे हैं। ठीक है जी, कांजी जवाब दे दीजिए इस पर। मंदिर जाने में छिपने की क्या जरूरत है? आने दीजिए सबके सामने कि आप कितनी बार मंदिर जा रहे हैं और कितनी बार नहीं जा रहे। अब इन्होंने राय दे दिया, जा ही नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जी ने राय दे दिया है तो अब कैमरा लेके जाएंगे और बाकायदे प्रचार प्रसार किया जाएगा, अकेले ऐसे नहीं जाएंगे। देखिए, धर्म तो आस्था का विषय है ना, बंद कमरे में नहीं, रोजा इफ्तार का तो प्रचार करते हैं राजीव बाबू, रोजा इफ्तार का प्रचार और मंदिर जाते ही जो है उसको जो है छिपा लेना, बीमारी तो खत्म हो गई। इसका कारण क्या, सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूं अजीज बाबू, मैं छोटा सा मेरा प्रश्न है, मेरा छोटा सा प्रश्न है, मैं आपको बिल्कुल टोक नहीं रहा हूं, मेरा छोटा सा प्रश्न है अजीज बाबू, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि रोजा इफ्तार का प्रचार और जो है मंदिर जाएंगे छुप छुपा कर मुंह छुपा कर, क्या कारण है? ठीक है, जवाब दीजिए अजीज जी। आप बोल चुके हैं ना, आप मुझे बोलने दे, प्लीज इंटरप्ट नहीं करें। देखिए प्राची जी, बहुत स्पष्ट है, जो धर्म होता है वो आस्था का विषय है, पूजा पाठ रोजा नमाज ये सारी चीजें बहुत पर्सनल होती है, ये कैमरे के सामने नहीं होती, लोगों को दिखा करके पूजा पाठ किया जाए या धर्म का दिखावापन। रोड घेर के क्यों करते हैं फिर? वो राजनीतिक अनाउंसमेंट करके क्यों करते हैं? राजनीतिक माइक के क्यों करते हैं? विनोद बंसल जी शुरू हो गए। सुनिए विनोद बंसल जी, हम दूसरे टाइप के प्रवक्ता है, हम जरा सा आप जानते हो, काफी दिन हमारे साथ आपने किया है। ठीक है, मैं बात बताऊं, दूसरी बात मैं जानता हूं कि देखिए हमारे नेता मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इनसे ज्यादा धार्मिक है मैं बताऊं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं करते, वो दिखावापन नहीं करते, वो ईश्वर पर आस्था रखते हैं अंदर से, क्योंकि वो धार्मिक है और धार्मिक होना अच्छी बात है।